इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। उन्होंने भी कहा कि बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारी बात सुनने को तैयार हैं। इस मीटिंग में निकला क्या है, बुनियादी तौर पे यही है कि जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो अगले साल मार्च तक होपफुली ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरह मैंने पहले भी आपको कल परसों बताया था कि बुनियादी कोशिश यही होगी कि जो सीटें हैं जम्मू और कश्मीर में, उसमें तवाज़ुन रखा जाए और जो है उसके बाद फिर शायद अगले साल के आखिर में इंतखाबात हो जाएं, यही प्लान है। और जहाँ तक स्टेटहुड का मामला है वो भी रेस्टोर हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ही बीजेपी की हुकूमत ने ऐलान कर दिया था कि हम जो है स्टेटहुड रेस्टोर कर देंगे, लेकिन वो लद्दाख के बग़ैर ही होगा। और उस स्टेटहुड में भी क्या होता है, वी डू नॉट नो, क्योंकि बुनियाद जो असल में जो पावर्स हैं, ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की पुलिस है, जो और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो कंट्रोल न्यू दिल्ली से ही होगा और ताकि सूरत हाल को काबू में रखा जा सके। अब इस मुलाकात जो है, कॉन्फ्रेंस को लेकर पाकिस्तान में बहुत लोगों ने कहा, भारत ने तो कहना था कि बड़ी तारीखी मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन इसमें तारीखी कुछ भी नहीं है, ये प्लान के मुताबिक ही हो रहा है और भारत एक मंसूबे के तहत आगे चल रहा है। और कोई उस पर प्रेशर भी फ्रैंकली स्पीकिंग इंटरनेशनल नहीं है कि वो, या पाकिस्तान की तरफ से हमने रोड मैप की तो बात की है और यही शायद रोड मैप हमारे लिए काबिल कबूल भी हो और हम भारत के साथ एक स्ट्रक्चर डायलॉग कर लें। और उसके बाद जो है, अब हमने सब ने देखा कि जो लोग थे, जो 14 लोग वहाँ पर गए या जो गुपकर गैंग में जिसे कहता हूँ वहाँ पे मौजूद था, तो ये वो लोग हैं जो कोलैबोरेटर्स हैं, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान, बल्कि आज फारूक अब्दुल्ला ने तो कह दिया कि हम अपने वतन की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात नहीं करते। तो जिसका मतलब बड़ा वाज़ह है कि क्या वो उनकी कोशिश क्या है और किस तरह न्यू दिल्ली इनको इस्तेमाल कर रहा है। इनको पहले अरेस्ट किया 5 अगस्त 2019 के बाद, ताकि लगे कि ये बड़े ऐसे लोग हैं जो रेजिस्टेंस का हिस्सा हैं, और इनको रेलेवेंस इनकी बढ़ाने के लिए इनको कर दिया, फिर छोड़ भी दिया इस मीटिंग से पहले और इनको बुला भी दिया। तो जब इनको, तो तमाम एक ड्रामा रचाया जा रहा है पूरे जम्मू और कश्मीर में, ताकि ये जो लोग हैं जो कि शुरू दिन से ही न्यू दिल्ली के हाथों में खेल रहे हैं, चाहे वो अब्दुल्लाज हों, मुफ्तीज़ हों या आज़ाद हों, तो इनके तो यही है कि ये भारत का जो है आहिस्ता आहिस्ता जम्मू और कश्मीर को उसी तरफ लेकर जा रहे हैं जिस तरह बाकी रियासतें हैं हिंदुस्तान की। तो मुझे कोई ना इस पे, इस मुलाकात में ना तो कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र आई कि मैं इसको हिस्टोरिक तारीख़ी कहूँ। असल में ये वही है जो एक प्लान बना हुआ था भारत का, उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। अब स्टेटहुड का, अगर स्टेटहुड रेस्टोर भी हो जाएगा तो पाकिस्तान के लिए उसमें क्या है, बात तो अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि आइनी एतबार से जो तब्दीलियां आ गई हैं अब वो वापस नहीं देने वाली हैं। और आज मोदी, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि जी वो तो सुप्रीम कोर्ट में है मामला, जब मुफ्ती महबूब मुफ्ती ने ये मामला उठाया कि 370 को रेस्टोर किया जाए, तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो जो करना था अब कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी सो करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई, अब 2 सालों से पिटीशन्स पेंडिंग पड़ी हैं और लगता नहीं है कि उन्होंने कोई जल्दी फैसला करना है, और अगर फैसला करना भी है तो वो वही फैसला करेंगे जो न्यू दिल्ली चाहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जो भारत की है वो भी पॉलिटिसाइज्ड हो गई है, ख़ास तौर पे जम्मू और कश्मीर के मामले में तो हमने देखा है कि वो ऐसे फैसले करती है, या मुसलमानों के मामले में ऐसे फैसले होते हैं जो कि पॉलिटिकल हैं, तो हम उनसे कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखते। अब मामला इस तरह ही चलेगा आगे और हमें कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए अहम बात यह है कि हम किस तरह जो जम्मू और कश्मीर में एक पाकिस्तान का जो प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट है उसको रखें, मेंटेन रखें, और जो उनका जज्बा हुर्रियत है उसको न मरने दें, क्योंकि
और पाकिस्तान का इस वक्त उनके साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है। और हमें कोई न्यू दिल्ली से जल्द मुज़ाकरात भी शुरू नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसकी भी एक लिमिट होती है, उसको भी किसी वो कोई ओपन एंडेड नहीं होनी चाहिए, उसको भी भारत किसी एक मुकाम पे आके खड़ा होना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए अगर भारत जम्मू और कश्मीर में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाता। ये नहीं हो सकता कि ये बैक चैनल भी इंडेफिनेटली कंटिन्यू रहे इसके बावजूद कि भारत कोई भी कंसेशंस या फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रहा। तो मेरा अपना ख्याल यही है कि ये एक हो गया है एक मीटिंग, भारत ने दुनिया को दिखाना था कि वो जम्मू और कश्मीर पे आहिस्ता आहिस्ता एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने जा रहा है जिसमें इंतखाबात भी होंगे और जिसमें जो डीलिमिटेशन के बाद होगा अगले साल के आखिर में शायद इंतखाबात भी हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो रियासत बनाना है जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से वो भी हो। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान का कश्मीर पर जो आज सर्वदलीय बैठक हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, उस पर रिएक्शन आना ही था और आ गया। और ये लोग कल परसों तक सेलिब्रेट कर रहे थे, यहाँ तक कि कुछ पत्रकार जैसे डॉक्टर शाहिद मसूद जैसे पत्रकारों ने बोला ये अमेरिका के दबाव पर हो रही है मीटिंग, ये इसके बाद आर्टिकल 35 है और धारा 370 हट जाएंगे, इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया में हो रही थी। तो उनको आज डेफिनेटली उन्होंने अपना मतलब नशा जो दोबारा किया होगा कि फिर से कुछ ऐसी खबरें दे दें, क्योंकि ये तो क्लियर हो चुका है कि ये बेसिकली जो मीटिंग हुई थी ये परिसीमन और इलेक्शन को लेकर हुई थी। मतलब जम्मू कश्मीर जो नया स्टेट बना है लद्दाख को हटाकर वहाँ पर फिर से परिसीमन होगा, मतलब सीटें बढ़ाई जाएंगी जो नई जनसंख्या आई है उसको लेकर, और आने वाले समय में इलेक्शन को लेकर बात हुई है और स्टेट जो जम्मू कश्मीर था उसमें इलेक्शन होंगे उस बात को लेकर बात हुई है। यहाँ पर सारी बातों की हवा निकल चुकी है, महबूबा मुफ्ती जो बोल रही हैं भोंक रही हैं वो भोंकती रहें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आर्टिकल 35 है पाकिस्तान, ये सब बातें होनी ही नहीं है, आपको स्टेट में इलेक्शन कराने हैं तो वो ही होंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो यही ये अपना बासित भाई बोल रहा था, बासित टकलू अंकल बोल रहे थे, यही बातें कर रहे थे। आपको बता दूं बासित अंकल बहुत बड़े जिहादी हैं, आप अगर इनके अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों पर कभी आ गए हैं तो इनका मैं एक पुराना वीडियो देख रहा था जिसमें ये अपने आप का ताल्लुक मतलब इनकी जो पुरानी पीढ़ी है तुर्की से कर रहे थे, जो नॉर्मल पाकिस्तानी करते हैं, पाकिस्तानी या तो तुर्की होते हैं या तो अरबी होते हैं, आपको भी पता है अरबी में ये लोग जैसे जैद अहमद लोग अपना ताल्लुकात अरब से करते हैं, सैयद लिखते हैं। और अगर आपने केरल के जो अभी राज्यपाल हैं मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मुस्लिम है, उन्होंने बताया था कि सऊदी अरब में एक दो ही सैयद खानदान है और भारत में ऐसे हजारों और पाकिस्तान और यहाँ पर हजारों सैयद खानदान है, मतलब सैयद जो प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली वाले। तो अब मैं इस बात पर नहीं जाता हूँ, टॉपिक से दूर चला जाऊँगा। तो ये मतलब अपना ताल्लुक तुर्की से बता चुके हैं और ये खासे मतलब अजीब टाइप के रेसिस्ट हैं खासकर इंडियन को लेकर। तो दोस्तों इनका तो दिल टूटना ही था और ये अब ऐसी बातें करने लगे हैं कि पाकिस्तानियों को लेकर कश्मीर को एक अपना खासा रवैया रखना चाहिए, कश्मीरों को मोटिवेट करना चाहिए, इस तरीके की बातें अगर होने लगे तो आप समझ जाओ कि 6 बॉल में 50 रन चाहिए जो कि इम्पॉसिबल टारगेट है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दें। और इस टॉपिक को लेकर अभी पाकिस्तानी मीडिया में बहुत अच्छे अच्छे पत्रकारों के रिएक्शन आने हैं, वो भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ये घंटी दिख रही है इसे दबाएं ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। और आप अपने विचार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें, जो भी आप वीडियो में चेंजेस देखना चाहते हैं तो वो दें।